मैं ये देख रहा हूं कि जिन्होंने भी चुनाव लड़ाया, चाहे सफलता मिली न मिली, बहुत उत्साह और उमंग से चुनाव को लड़ा और बड़ा आपस में भाईचारा और एक जो क्लब कल्चर होता है जिसके लिए हम हमेशा बात करते रहे हैं उसको, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं और उस उत्सुकता में कुछ गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन ये एक माहौल है, इसका किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और सबसे पहले मैं तो उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अच्छा चुनाव करने के लिए मुझे लोगों से कुछ मतलब जोर से बोलना पड़ता है या उस नियमों का पालन करने के लिए कहना पड़ता है और ट्रांसपेरेंसी को कायम रखने के लिए आपको थोड़ा सख्त तो होना ही पड़ता है, इस बात को आपको मानना चाहिए। और आप लोग इस बात का बुरा भी नहीं माने होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मैं जानता हूं कि आप सब पत्रकार लोग अच्छी चीज़ों से चीज़ों को समझते हैं और मुझसे अगर कोई गलती किसी को कुछ कहने में हुई है तो मैं आप सब में जिनको बुरा लगा होगा उनसे मैं पर्सनली माफी मांगता हूं, वो सुने और देखें। मैं अब ज्यादा बात समय आपका इंतजार बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अब 2023-24 पीसीआई इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने रखता हूं और इस रिजल्ट रखने से पहले मेरे साथ हैं, इसमें अभी कुछ लोग एब्सेंट हैं, उनको जाना था, तो मेरे बिल्कुल राइट में अभिषेक प्रसाद जी हैं, उसके बाद नीरज रॉय जी हैं, मनीष बेहर हैं, इधर सुभाष चंद्र जी हैं, सुधीर सब्रवार जी हैं एंड मिस्टर राव। इन सबसे ज्यादा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा का राजा राम। राजा राम के बिना इलेक्शन की कार्रवाइयां नहीं हो पाती है। मेरे अभी एक शुभचिंतक और मित्र कह रहे थे कि जैसे जैसे रिजल्ट आने लगता है राजा राम का मुंह काला होने लगता है। थकान बहुत जरूरी है, थकान के बाद तो हो ही जाता है, हम लोगों के चेहरे पर भी रंग हवाई उड़ी हुई है। तो अब आप मेरे चेहरे पर रौनक इसलिए है क्योंकि आप सबके चेहरे पर रौनक को देख के मुझे मेरे चेहरे पर रौनक आ रही है। अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, रिजल्ट तो वैसे आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी में कर देता हूँ। इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 2023-24 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पहले जीतने वाले का नाम लूं या रनर अप का नाम लूं? तो मैं डिमांड कर रहे हैं रनर अप जो है मतलब नंबर टू जो आए हैं प्रेसिडेंट में श्री प्रशांत टंडन जी, उनको 277 वोट मिले हैं और जो इस चुनाव में प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव जीते हैं आप हैं गौतम लाहेरी, उनको 861 वोट मिले हैं, 861 एंड ही इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, कहीं से आवाज आई बाबा 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 से पहले मैं प्रमोद शर्मा का नाम लूंगा रनर अप, उनको 159 वोट मिले हैं 159। और बाबा यानी मनोरंजन भारती जितने वोट पड़े हैं उसमें हाईएस्ट वोट 927। फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल रनर अप प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, उनको 283 वोट्स मिले हैं और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव नीरज ठाकुर 812 वोट। फॉर द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी KVNSS प्रकाश जी को 327 वोट मिले हैं और मोहम्मद आफ्ताब आलम जो विजयी रहे हैं मोहम्मद मेहताब आलम
704 board election. For the post of treasurer, तीन कैंडिडेट थे, अतुल मिश्रा जी को 156 वोट मिले, राहिल चोपड़ा जी ने बहुत संघर्ष किया, उनको 209 वोट मिले और मोहित दुबे 692 वोट मिले, 692 वोट मिले विजयी हुए। मैनेजिंग कमेटी में मैं इलेक्टेड लोगों के नाम पढ़ दूंगा या सभी के नाम पढ़ो आप उनके फरमाइश पर, इलेक्टेड का ही पढ़ना ठीक रहेगा, बाकी सब मैं नोटिस बोर्ड पर लगेगा। अनीश कुमार इलेक्टेड 782 वोट, अशरफ अली इलेक्टेड 705 वोट, आशीष गुप्ता इलेक्टेड 726 वोट, जतिन गांधी इलेक्टेड 858 वोट, मानवेंद्र वशिष्ठ 722 वोट इलेक्टेड, मयंक सिंह 741 वोट इलेक्टेड, मेघना धूलिया 741 वोट इलेक्टेड, नहीं नहीं 8 समथिंग, मेघना धूलिया 858 वोट इलेक्टेड, मोहम्मद अब्दुल बारी मसूर 654 वोट इलेक्टेड, नलिनी रंजन मोहंती 734 वोट इलेक्टेड, प्रज्ञा सिंह 821 वोट इलेक्टेड, रविंदर कुमार 703 वोट इलेक्टेड, शंकर कुमार आनंद 693 वोट्स इलेक्टेड, सुनील नेगी 814 वोट्स इलेक्टेड, सुरभि कांगा 712 वोट्स इलेक्टेड, हाँ श्रीनिवास राव टी श्रीनिवास राव 641 वोट्स इलेक्टेड, एंड विनीता ठाकुर 785 वोट्स इलेक्टेड। सभी जीते हुए लोगों को ऑल विनर्स आर मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू वेरी मच।